आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच 9 जून को काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा नजर आएंगे, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने उससे पहले पहले आप सभी को बता दें कि प्लेइंग 11 को बदल कर रख दिया है। 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और 3 से 4 ऐसे भूखे शेर बब्बर खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, जिनको टीम इंडिया में शामिल किया है। बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पहले प्लेइंग 11 को विस्फोटक तरीके से तैयार किया है और नए युवा बल्लेबाज और गेंदबाजों को टीम इंडिया में शामिल किया है, क्योंकि भारतीय टीम 2023 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथों से ना उठा पाई, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी अपने हाथों से जरूर उठा करके रहेगी। कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने गुस्से में आकर के प्लेइंग 11 में काफी बड़े खतरनाक बदलाव कर दिए हैं। कुछ खिलाड़ी काफी ज्यादा पुराने इंडिया टीम में थे, उनको भी टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्लेइंग 11 के बारे में सब कुछ आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि भारतीय टीम की स्क्वाड क्या है। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। जैसे ही पाकिस्तान की टीम को पता लगा कि भारतीय टीम की यह खतरनाक प्लेइंग 11 है, पाकिस्तान की टीम थर थर कांपने लगी है। पाकिस्तान की टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के साथ हम इस मुकाबले को कैसे जीतेंगे। तो कप्तानी का जो जिम्मा है वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को ही दिया गया है, क्योंकि हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ एक तूफानी विस्फोटक कप्तान भी है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ही करेंगे। इनके साथ ओपनिंग में उतरेंगे घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल एक काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज होनहार लड़का है। 21 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड बना रखे हैं। आप सभी को बता दें कि जायसवाल ने 2023 से लेकर के 2024 तक आईपीएल 2024 तक काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी काफी बेहतरीन छाप छोड़ी है, जहां पर काफी फॉर्म में अच्छे वो नजर आ रहे हैं। तो यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है और यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा के आगे जो सामने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग में नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बाद यहां पर शुभमन गिल नहीं होंगे। आप सभी को बता दें कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप से लेकर के अब तक काफी खराब फॉर्म में चल रहे हैं। शुभमन गिल को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शुभमन गिल की जगह यहां पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या को क्यों, मैं आप सभी को बता दूं कि हार्दिक पांड्या एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाज भी हैं। हार्दिक पांड्या को मुकाबले को पलटना काफी अच्छी तरीके से आता है और कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल को हटा करके यहां पर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है और हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोते हुए बेहतरीन तरीके से नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे घातक विस्फोटक बल्लेबाज जो टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी और दिल और जान कहे जाते हैं, जिन्हें रन मशीन भी कहा जाता है। जी हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करता है। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी रन मशीन विराट कोहली कहा जाता है। भारतीय टीम के भले चाहे दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी क्यों ना आउट हो गए हो, लेकिन विराट कोहली जब तक टीम इंडिया में है, पिच पर है, मैदान पर टिका है, तो भारतीय टीम को और फैंस को एक भरोसा रहता है कि इस मुकाबले को अभी हम जीत सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिन्होंने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह अब तक ना कर पाए वो विराट कोहली ने कर दिखाया। विराट कोहली तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे की। शिवम दुबे काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। शिवम दुबे को सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया में शामिल किया है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि शिवम दुबे टीम इंडिया की तरफ से खेले, जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 में, क्योंकि शिवम दुबे काफी विस्फोटक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा बेहतरीन करते हैं। शिवम दुबे एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2023 से लेकर के अब तक काफी बेहतरीन विस्फोटक पारियां खेली हैं। यहां पर शिवम दुबे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तिलक वर्मा को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि तिलक वर्मा कोई भी बच्चे फॉर्म में बल्लेबाजी इस समय नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नाम आता है घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का। आप सभी को बता दें कि सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करता है। छठवें नंबर पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया
तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। सूर्य कुमार यादव काफी घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है। सूर्या को मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से जाना माना जाता है। तो बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज की, जो बल्लेबाज कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। जी हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, जिसने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी से जाना जाता है। रिंकू सिंह हर मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं अगर खेलने का मौका मिले तो। रिंकू सिंह ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज है और फिनिशर बल्लेबाज है, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह ने यहाँ पर शिवम दुबे, सस्वी जायसवाल का भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है। जी हाँ, शिवम दुबे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे के बाद यहाँ पर जो है रिंकू सिंह के बाद घातक विस्फोटक बल्लेबाज, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी से लेकर के बल्लेबाजी तक इस बल्लेबाज की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी है। रविंद्र जडेजा अगर एक बार पिच पर मैदान पर खेल रहा है तो सामने वाली टीम के ऊपर अच्छा खासा दबाव बन जाता है। रविंद्र जडेजा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाएंगे। अब हम बात करने वाले विकेट कीपर के रूप में, आखिरकार आप किसे देखना पसंद कर रहे हैं? विकेट कीपर संजू सैमसन, ऋषभ पंत या ईशान किशन या विकेट कीपर केएल राहुल? आप सभी को बता दें कि कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट कीपर के रूप में यहाँ पर ऋषभ पंत को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है, क्योंकि लगातार काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल की टीम के कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम को काफी ज्यादा आगे ना ले जा पाया आईपीएल में, लेकिन इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 पर है, जो ऋषभ पंत पर काफी ज्यादा भरोसा किया गया है और ऋषभ पंत तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान की टीम को धोते हुए नजर आएंगे। यॉर्कर के बादशाह कहे जाने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यहाँ पर घातक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते नजर आएंगे। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देखकर सुनकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है थरथर कांपने लगी है। भारतीय टीम के दिग्गज से दिग्गज शेयर तैयार है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर